काफ़ी धमाकेदार चीज़ें हो रही है गाइस सिकंदर के सेट पे। मैं आपको बता दूं, सिकंदर की युद्ध शुरू हो गई है और सिकंदर युद्ध में है अभी। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट्स आई है सिकंदर के शूट को लेके। आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करो, लास्ट तक देखो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और सिकंदर के अपडेट्स के मज़े लो। चलो भाई, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने पिक्चर के बारे में बात करने के लिए। देखो, अपने जो एक्शन डायरेक्टर है केविन कुमार, उन्होंने तो फुल ऑन मचाया हुआ है भाई, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में अब वो जितने भी पोस्ट डाल रहे हैं ना, मतलब ऐसे हाईजैक कर लेते हैं ना सलमान भाई के फैंस कमेंट सेक्शन को। जैसे ही पता चलता है कोई भी बंदा अपने फिल्म में काम कर रहा है, कि वो एक अलग ही तरीके की बात होती है। तो ऐसा ही हुआ केविन कुमार के, जो पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया के जितने भी पोस्ट हैं ना, सब पे सलमान भाई के फैंस के कमेंट है। और वहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया कि केविन भाई, आप ऐसी एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करना, ऐसी सलमान भाई की एंट्री सीन है उसको डिजाइन करना फिल्म में, कि ईद पे दिवाली जैसा माहौल बन जाए थिएटर में। उसके नीचे केविन भाई लिखते हैं कि कंफर्म्ड एक ठेंगा भी दिखा दिया। नहीं भाई, ठेंगा नहीं दिखाया, वो बोले हाँ भाई पक्का कंफर्म है। तो यहाँ से चीज़ें गर्म हो गई है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि फैंस का कितना प्रेशर है, वो अब झेलेंगे कि असली प्रेशर क्या होता है। हालांकि रजनीकांत के टाइम पे भी उन्होंने झेला होगा, बट इस बार जो है, चूंकि नाम पहले आ गया है, तो वो एक अलग तरीके का माहौल बना देते हैं सलमान भाई के फैंस, तो इस बार वही हो रहा है। अब देखो, मैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि आज सुबह सुबह साजन ने, अब साजन को आप जानते हैं, साजन सलमान भाई के साथ हमेशा आपको दिख जाएंगे, वो हमेशा क्लोज ही रहते हैं सलमान भाई के। सलमान भाई जिस भी इवेंट पर जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, वो वहाँ होते हैं। तो वहाँ पे एक आज सुबह सुबह साजन ने एक फोटो शेयर किया, काफ़ी मासी एक्शन सीक्वेंस का ये फोटो लग रहा है। अब ये समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है जो खड़ा है, सलमान भाई नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि केविन कुमार है, और हो भी सकता है, क्योंकि ये चीज़ देखने के बाद ना बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी मास एक्शन सीक्वेंस के दौरान ही एक स्टिल लिया हुआ है। देख सकते हो आप, पूरा धूल वूल उड़ रहा है और एक आध बंदे लेटे हुए भी हैं, एक दो के हाथ भी दिख रहे हैं, तो फुल मचाने वाला सीन दिख रहा है ये। और ये केविन कुमार हो सकते हैं, इसकी कन्फर्मेशन कहाँ से आई, जब सुबह नहीं, अभी थोड़ी देर पहले केविन कुमार ने एक बंदे ने स्टोरी लगाई और केविन कुमार को मेंशन किया, केविन कुमार ने उनको दोबारा से मेंशन कर दिया, अपने स्टोरी पे ऐड कर दिया, आप ये देख सकते हैं। तो ऐसा समझ में आ गया कि चलो सिकंदर के सेट से और काफ़ी मासी चीज़ें दिख रही हैं, बट इससे भी ज़्यादा मास चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। शूटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट आई है, जिसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ना हम लोग 1.5 महीने के छुट्टी पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं, सब पे बात करते हैं। क्या हो चुका है उस पर भी बात करते हैं। तो पिछले हफ्ते से सिकंदर की शूटिंग शुरू हुई है, और सबसे पहले शुरुआत हुई है चित्रकूट ग्राउंड पे। वहां पे एयर एक्शन सीक्वेंस, जैसा कि नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की तरफ से हमें पोस्ट मिल गया था कि एयर एक्शन सीक्वेंस, बिगेस्ट एयर एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाला है, उसी से शुरुआत हुई है। एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ चीजें हो रही है। AR मुर्गदोस और उनकी पूरी की पूरी टीम ने चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान की है। तो चित्रकूट ग्राउंड पे शूटिंग शुरू हुई और वहां पे एयर एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। और एक कमाल की चीज़ क्या है कि वहाँ पे सलमान भाई स्ट्रिंग से लटके हुए थे, उसके सामने और भी 3-4-5 गुंडे लटके हुए थे, और उनमें से एक गुंडा प्रतीक बब्बर था। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, प्रतीक बब्बर ने सलमान भाई के साथ एक एक्शन सीक्वेंस जो है वो शूट किया है चित्रकूट ग्राउंड पे। उसकी शूटिंग हुई और उस एयर एक्शन सीक्वेंस में एक प्लेन इन्वॉल्व था, वहाँ पे प्लेन भी था एक, और उस प्लेन की जो एक्सटीरियर थी ना, वो स्पेशली इस सीन के लिए ही डिज़ाइन किया था। वो काफ़ी अलग तरीके का था, पूरा का पूरा जो ग्राउंड है उसको, वहाँ पे जो सेट लगा था वो काफ़ी सॉलिड बनाया गया था उस सेट को। और चीज़ें वहीं पे नहीं रुकी, वहाँ पे सलमान भाई ने शूट किया VFX ड्रिवन शॉट, पूरी की पूरी सीक्वेंस होने वाली है, काफ़ी तगड़ा VFX होने वाला है इसमें, मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना। और आज जो है मुंबई में पहले स्केड्यूल की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, वो चीज़ जो एक्शन सीक्वेंस वहाँ पे शुरू हुआ था, आज ताज लैंड सेंट जो होटल है, 5-स्टार होटल है, उसकी बिल्डिंग पे शूट होने वाला है, सलमान भाई वहाँ पे होने वाले हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें, मिडडे की रिपोर्ट आ गई है सुबह में 11:30 बजे, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अंदर से न्यूज़ ला के नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ मीडिया में है, आप जाके पढ़ सकते हो, मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन क्या करूं मैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके आर्टिकल पढ़ लेना। ताज लैंड्स एंड होटल में जो बैंड्रा में है, वहाँ पे शूटिंग होने वाली है, सलमान भाई वहाँ पे होने वाले। और इसके बाद जो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज या कल में, मोस्टली आज ही खत्म हो जाएगा, अगर आज नहीं होता है तो कल इस पूरे की पूरी जो एक्शन सीक्वेंस है, अब ये एंट्री शॉट होता है या फिर कौन सा सीन होने वाला है ये अभी तो अपने को आइडिया नहीं है, बट इसके बाद आज या कल में जब ये पूरी की पूरी एक्शन सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारा एक स्केड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 1.5 महीने की छुट्टी पे चले जाएंगे भाई। मतलब हम लोग तो चले ही जाएंगे, जाहिर सी बात है,
टीम भी चली जाएगी 1.5 महीने की छुट्टी पे, टीम जा रही है छुट्टी पे तभी हम भी जा रहे हैं। अब ये मत सोचो कि उन 1.5 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना। साजिद नडियाडवाला और एआर मुर्गदोस ने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है, बहुत स्मार्ट तरीके से इस बार इस चीज़ को डिसाइड किया गया है कि ये जो अभी पूरा का पूरा मानसून का महीना होने वाला है, ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होने वाला है 40-45 दिनों का, ये जो पूरा जुलाई होने वाला है बहुत बारिश होती है, और अपने सिकंदर की ऐसी चीज़ें होने वाली है इस बार कि इंटीरियर से ज़्यादा एक्सटीरियर लोकेशंस पे शूटिंग है, आउटडोर लोकेशंस पे शूटिंग है, तो उसको दिमाग में रखते हुए काफ़ी स्मार्ट मूव है ये कि उन लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग ये पूरे टाइम पीरियड को 40-45 दिनों को यूज़ करते हैं सेट कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सेट बनने वाली है गोरेगांव SRPF ग्राउंड पे, और वहाँ पे जो है हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्राउड जिसमें होते हैं ना, ज़्यादा क्राउड हैवी सीक्वेंसेस बोलते हैं उसको, और ये हमने लास्ट बार जो है ना वो सुल्तान में देखा था, और शायद से टाइगर जिंदा है में देखा था, उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी सीन हमें सलमान भाई की फिल्म में दिखा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड्स एंड ऑल दिख रहे हैं, तो ऐसा होने वाला है। तो ये प्लानिंग के तहत किया कि चलो जब तक बारिश गिरेगी तब तक हम सेट बना लेंगे, और उसके बाद मिड अगस्त से 40 दिन की लंबी स्केड्यूल जो है वो लोग स्ट्रेट स्केड्यूल होगी, वो सीधा 40 दिन शूट करेंगे, वहाँ पे जितने भी क्राउड हैवी सीन्स होंगे, जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, SRPF ग्राउंड गोरेगांव में शूट होगी। और ये प्लीज़ मत समझना कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया आर्टिकल्स में है सारी की सारी चीज़ें, मीडिया में आप जाके पढ़ सकते हो। तो ऐसा है, देखो प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, बट एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि नडियाडवाला ना कास्ट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, मतलब अभी तक सलमान भाई और रश्मिका मंडाना को छोड़ के किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं हुई, किसी भी कास्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आज पता चला कि प्रतीक बब्बर भी हैं इस फिल्म में, सत्यराज को भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये अच्छा मूव है। देखते हैं, अभी हिमेश के भी कोई आर्टिकल्स नहीं आई है कास्ट को रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, तो अभी फिलहाल जो भी है अच्छा चल रहा है। 1.5 महीने की छुट्टी है, तो 1.5 महीने में हम यही उम्मीद करेंगे कि नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की तरफ से हमें कुछ ना कुछ पोस्टर मिल जाए देखने को, या फिर कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाए, क्योंकि तगड़ी एक्शन सीक्वेंस ऑलरेडी वो एक सीक्वेंस तो शूट कर ही चुके हैं, वहाँ से देखते हैं कुछ मिल जाए, या फिर देखते हैं कुछ पोस्टर दे दो, कुछ तो दे दो हमको, 1.5 महीने क्या करेंगे भाई बैठ के, अपनी अपने को हाइप जो है ना वो बना के रखनी है तगड़े तरीके से। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये पूरी की पूरी अच्छी प्लानिंग चल रही है, तो टेंशन मत लो, सब कुछ AR मुर्गदोस और नडियाडवाला सर के प्लानिंग के साथ हो रहा है। सलमान भाई भी फुल ऑन इस बार मूड में है तगड़े तरीके से, इस बार तो अपने एक्शन डायरेक्टर भी फुल ऑन मूड में है, तो बस चीज़ों को इन्जॉय करो, हम यहाँ पे बैठे हैं, सारी की सारी जो भी अपडेट्स आएगी उसको सबसे पहले लाकर देने की कोशिश करेंगे आपको, आप बस बैठ के इन्जॉय करो चीज़ें, देखते हैं इस वाले जो एक्शन सीक्वेंस से हमें कुछ भी मिलता है या नहीं देखने को। VFX हैवी शॉट्स होने वाले हैं गाइस, VFX तगड़ा होना चाहिए इस फिल्म का, लेट्स होप VFX तगड़ा हो तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखते हैं ये एंट्री सीन है या फिर कौन सी सीन है जो कि शूट हुई है, बट आज होटल ताज लैंड सेंट पे आज शूटिंग होनी है, इस चीज़ के लिए तैयार हो। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आने वाला समय काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग भी हो सकता है, देखते हैं कास्ट एंड क्रू से रिलेटेड और क्या क्या न्यूज़ आती है, एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग, आप बैठ के इंजॉय करो, मैं भी कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।